वासी में बंगाली एसोसिएशन का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा उत्सव आखिरी दिन दशहरा पर्व पर 2 लाख श्रद्धालुओं ने किया देवी का दर्शन। नवीन भाई, बंगाली एसोसिएशन का दुर्गा पूजा उत्सव अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के लिए पूरे मुंबई में मशहूर है। वासी के सिडको प्रदर्शनी केंद्र में इसकी अनूठी झलक देखने को मिली। मंगलवार को यहां दशहरा पर्व पर हजारों महिलाओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और सिंदूर खेल भी खेला। एसोसिएशन की पदाधिकारी महुआ उपाध्याय ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने नई परंपरा कायम करते हुए विधवाओं और युवतियों को भी सिंदूर खेला के अनूठे उत्सव में एंट्री दी है, ताकि यह सभी का उत्सव बन सके। जो हमारे वीडियोस है और हमारे यंग लड़की लोग है, जिसको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन किया था कि वो लोग नहीं कर पाते, वो ट्रेडिशन को भी हम लोगों ने तोड़ा है। वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, जो यंग है और जो विधवा हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने इतना दिन से कुछ प्लेटफॉर्म नहीं दिया था कि वो लोग नहीं छू सकते माँ को, इस बार हम लोगों ने वो किया है। वही एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी MCA नेमाई गोराई एवं उनके सहयोगी ने बताया कि BANM 40 वर्षों से नवीनबई में भव्य दुर्गा पूजा उत्सव आयोजित कर रहा है, जिसमें हर दिन 2 से 3 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह त्योहार केवल बंगाली समाज का नहीं बल्कि अब हर समुदाय का बन गया है। उन्होंने एसोसिएशन द्वारा कैंसर पीड़ितों की मदद के साथ ही अन्य चैरिटी कार्यक्रमों की भी जानकारी साझा की। ये हम लोग 40 साल से सेलिब्रेट कर रहा है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पूजा है। यहाँ 2 से 3 लाख लोग का फुटफॉल था। षष्ठी दिन से शुरू हुआ, आज इसका अंतिम दिन है। आज अभी देख रहे हैं कि बंगाली का जो ट्रेडिशन है, सिंदूर खेला बोलता है उसको, सिंदूर खेला किस पैमाने से मनाया जा रहा है। और सब लेडीज लोग, औरत लोग यहाँ देवी माता का वहाँ सिंदूर लगाते हैं, फिर खुद को सिंदूर लगाते हैं। ये एक बंगाल का बड़ा ट्रेडिशन है। दुर्गा पूजा अनुष्ठान है यह करीबन, जैसे साहब ने बताया कि अरमन 3 से 4 लोग, हमार 4 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे ये दुर्गा पूजा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नवी मुंबई बंगाली एसोसिएशन। ये हम लोग करते हैं, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। करीबन 40 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग चला रहे हैं। ये जो आप दुर्गा पूजा देख रहे हैं, यहाँ पर इतने लोगों का जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, ये हम लोगों को आगे उत्साह देता है कि हम और इसे हर साल इसको बड़ा करते जाएँ। यहाँ से होने वाली जो आय है वो हम लोग अपने एक सोशल डेवलपमेंट में काम करते हैं। जैसे हमारा होम फॉर कैंसर पेशेंट है, जो कैंसर से पीड़ित लोग हमारे दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते हैं, हम उनको सहायता देते हैं, उनके लिए रहने का यहाँ पर जुगाड़ करते हैं। तो उनके साथ में हमारा रिलेशनशिप काफ़ी देर, करीबन 500 पेशेंट हमारे यहाँ पर हर साल यहाँ पर आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा आयोजन हमारा होता है। नवी मुंबई बंगाली एसोसिएशन 40 साल से पूजा कर रहे हैं। पहले ही बताए हम लोग का यहाँ ये पूजा जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिर्फ बंगाली लोगों को नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो हर कम्युनिटी, हर लैंग्वेज का आदमी लोग यहाँ आते हैं एंड दे पार्टिसिपेट इन आवर दिस सेलिब्रेशन। 3 दिन से हम लोग ने भगवान का प्रसाद वितरण करते हैं एंड लगभग 20,000 लोग खाते हैं 3 दिन में। 3 दिन का ये आयोजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाली लोग ही आते हैं, मेंबर्स लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। ऑल कम्युनिटी पीपल आर कमिंग हियर। दूसरा चीज़ ये है कि ये एक आयोजन ऐसा है कि सिर्फ हम लोग नहीं, सब लोग मिल के, सब कम्युनिटी मिल के पूजा अरेंज होता है। और इसका पार्टिसिपेशन आप देखेंगे तो लगभग 3 से 3.5 लाख लोग हर रोज़ यहाँ आते हैं। ये पूरा हॉल जो है पूरा भर जाता है एंड वाट एवर माई प्रीवियस पर्सन ऑलरेडी टोल्ड यू मिस्टर सुभाष मुखर्जी कि जो कुछ हम लोग ने यहाँ से जो कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, सब सोशल वर्क में हम लोग ने उसका खर्च करते हैं। कैंसर पेशेंट है, ऑर्फन हाउस है,
प्रीत कौन सा भी इसमें हम लोग आगे आता है और आके उनको मदद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इधर आज विसर्जन है और ऐसा हम लोग जाएंगे। इधर कल प्रोग्राम चल रहा था अलका याग्निक का और परसों अमित कुमार का, तो सबको बहुत मजा आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।